What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20th जुलाई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8 बज रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। हमने देखा है लास्ट 3-4 दिनों से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। एक जो बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है उसका हाई या फिर लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है लास्ट 3 दिन से, तो ये जो साइडवेज पैटर्न है हो सकता है ये इस मंथ कंटिन्यू हमें देखने को मिले। मंथली एक्सपायरी आ रही है और यूएस का फेड मॉनेटरी पॉलिसी है वेनसडे को, तो उसके बाद हो सकता है एक मूवमेंट हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिले। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 27 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। 5 मिनट का ये चार्ट है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,250 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,090। तो पूरा दिन इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। शुरू में ओपन होने के बाद जैसे ये फॉल आया तो एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल जो हमारा था इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। हालांकि जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग कल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार यूएस मार्केट देखे तो नासडैक करीब 173 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। एक जबरदस्त फिर से वहां पर तेजी देखने को मिली। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स फिर से एक बार कमजोरी वहां पर देखने को मिली है साफ तौर पर। एशियाई बाजार आज जब वह ओपन हो चुके हैं तो लगभग सभी हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 64 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो इस समय 91 पॉइंट की ऑलमोस्ट अपसाइड मूव यहां पर दिखा चुका है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल एशियाई बाजार पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हमेशा की तरह वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे हमने यहां पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है तो लगातार यहाँ पर लास्ट 6 वीक से हायर हाइज बन रहे हैं। लेकिन अभी ये जो 11,200 का लेवल है जहाँ पर 100% का लेवल आ रहा था, इस लेवल के पास ये थोड़ा सा हर्डल फेस कर रहा है। तो हो सकता है निफ्टी इंडेक्स अगर 11,200-250 को कंफर्टेबली ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो ये हमें यहाँ से हमें निफ्टी कंटिन्यूस आगे की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए हमें दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो फर्स्ट इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा एज पर वीकली चार्ट 100 ईएमए में, जो कि अराउंड अभी 10,750 के पास है, और उसी के नीचे ये 50 ईएमए का लेवल है जहाँ पर 10,665 के पास ये 50 ईएमए आ रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और ऊपर 11,200-250 को कम्फर्टेबली क्रॉस करता है निफ्टी इंडेक्स तो यहाँ से हमें अपवर्ड तेजी और देखने को मिल सकती है। तो ये था वीकली चार्ट का सीनरियो। डेली चार्ट पर देखेंगे तो सबसे पहले आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई 370 के ऊपर ट्रेड कर रहा था लास्ट 4 दिन से और अभी ये ओवरबॉट जोन से फिर से एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ ये ट्रेंड कर रहा है और इसने कल निगेटिव क्रॉस ओवर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से तुरंत प्राइस एक्शन फिर से ये टुवर्ड साउथ की तरफ बढ़े, ये सिर्फ सिग्नल है। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए इसे और एक बेयरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर क्रिएट करना होगा और प्रीवियस लो को ब्रेक करना होगा तो ही यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ से और करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि ऊपर प्राइस एक्शन में जो डेली चार्ट में लास्ट स्विंग हाई लो मिल रहा है उसको पकड़ के अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं इसका ये जो लेवल था 76.4% ये एग्जैक्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। लास्ट 3-4 दिनों से यहाँ पर एग्जैक्ट ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और ये जो बियरिश कैंडल यहाँ पर एक क्रिएट हुआ था इसका ये हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। 3 दिन हो चुके हैं इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है तो ऊपर में ये हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, यानी जो 100% का लेवल आ रहा है 11,260-250 राउंड फिगर कर देते हैं, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही निफ्टी इंडेक्स यहाँ से हमें और तेजी दिखा सकता है। और नीचे अगर ये लोअर बैंड अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो निफ्टी यहाँ से ये जो 20 ईएमए है ये 20 ईएमए पिंक लाइन ये अराउंड अभी 10,820 के पास है
लगभग इस अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो इस 20 EMA को ये एज अ सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कई दिनों से ये 20 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ये टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो फर्स्ट ये इमीडिएट सपोर्ट 20 EMA का लेता है। हालांकि उससे पहले यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेवल्स है, साइकोलॉजिकल लेवल है 11,000, एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा 11,000 के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर 11,100 अगर टूटता है तो 11,000 के पास सपोर्ट होगा, वो अगर टूटता है तो निफ्टी इंडेक्स हमें 20 EMA तक हमें आते हुए दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर चल रहा है। तो आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, तो कल जो हमने बात की थी RSI वर्सेस प्राइस एक्शन की, ये ऊपर प्राइस एक्शन है और नीचे RSI है। ऊपर प्राइस एक्शन को आप देख सकते हैं एक फ्लैट नोट पे ये ट्रेड कर रहा है ये ऐसे, लेकिन नीचे RSI को तो अगर आप देखें तो ये लोअर हाइज बनाता हुआ चल रहा है, यानी यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर ये ऊपर प्राइस एक्शन में लोअर बैंड को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है टूवर्ड साउथ की तरफ तो निफ्टी इंडेक्स हमें और नीचे करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, तो कल जो हमारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स हो सकते थे वही आज सेम होंगे। नीचे ब्रेकडाउन लेवल होगा 11,090, उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा 11,070 और सेकंड टारगेट होगा 11,044। तो कल जैसे इसने एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट प्लेस किया था तो यही आज हमारे लिए ब्रेकडाउन लेवल साबित हो सकते हैं। और ऊपर ब्रेकआउट लेवल होगा 11,250 का, फर्स्ट टारगेट होगा 11,271 और सेकंड टारगेट होगा 11,292। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।